नमस्कार दोस्तों, निफ्टी एनालिसिस की एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों निफ्टी की फाइनल क्लोजिंग हमें मिली है 16,988 की और ये लास्ट डे की क्लोजिंग से लगभग 111 पॉइंट नीचे आके निफ्टी ने क्लोज किया है। निफ्टी में भी सबसे अच्छी बात यही हुई है कि निफ्टी में लगभग हमने लो शायद 830 का हमने लो लगाया। 830 का लो लगाने के बाद हमने 17,000 के आसपास हमने यहाँ पे क्लोजिंग दी। अगर नीचे से देखा जाए तो लगभग हम 150 पॉइंट रिकवर होकर हमने यहाँ पे क्लोजिंग दी है निफ्टी में। और कैंडल देखा जाए तो ये 3 दिन से लगभग एक जैसी ही कैंडल यहाँ पे बनती हुई आ रही है कि नीचे का कहीं भी लग रहा है, हम क्लोजिंग जाके ऊपर की साइड में दे रहे हैं। तो मतलब मार्केट थोड़ी सी स्ट्रेंथ तो दिखा रहा है कि लोअर एंड पे यहाँ पे बायर जरूर आया था। निफ्टी में भी और बैंक निफ्टी में भी लोअर एंड पे यहाँ पे बायर जरूर एक्टिव हो जा रहे हैं। तो जिसके पास पोजीशन है तो ये ध्यान रखिएगा, स्टॉप लॉस को ट्रेल करके थोड़ा सा ऊपर ले लीजिएगा और अच्छा मूव आपको तभी मिलेगा जब निफ्टी 17,222 के ऊपर क्लोज होगा। ये ध्यान रखना, निफ्टी 17,222 के ऊपर क्लोज करेगा तो ही आपको एक जबरदस्त मूवमेंट यहाँ पे मिलेगा। और नीचे की साइड का जो स्टॉप लॉस का सपोर्ट, नीचे की साइड का जो सपोर्ट अगर आप देख रहे हैं, अगर आपके पास आज की बाइंग है तो सपोर्ट रखिएगा यहाँ पे 16,700 के नीचे का आप क्लोजिंग जरूर रखिएगा तो ही आपका ये स्टॉप लॉस थोड़ा सा सस्टेन कर सकता है। और एक बार मूवमेंट अगर 17,100 के ऊपर कंटिन्यू क्लोज करने लगे 2 दिन तो ये स्टॉप लॉस आपका 17,000 के आसपास ऊपर की साइड में आ जाना चाहिए। अब चलिए हम 15 मिनट के चार्ट पे देखते हैं कि कल हम निफ्टी को किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं और क्या इंपॉर्टेंट लेवल है निफ्टी के लिए। अब ये निफ्टी का मैंने 15 मिनट का चार्ट लगा लिया और 15 मिनट के चार्ट पे देखेंगे तो सेम सिचुएशन यहाँ पे बनी है इसी जगह के आसपास। देखिए मैं कंटिन्यू आप लोग को ये चीज़ें बताते रहता हूँ कि लोअर एंड के आसपास अगर टाइम बिताता है मार्केट और टाइम बिताने के बाद, देखिए ऑलरेडी अगर यहाँ से 200 पॉइंट निफ्टी गिर गया तो मैं नीचे की साइड में तो देखूंगा नहीं, मैं देखूंगा ऊपर की साइड में अगर मूवमेंट मेरे बनती है तो यहाँ पर देखिए कितना अच्छा कंसॉलिडेट करता है। कंसॉलिडेशन के बाद यहाँ पर देखेंगे 16,890 के बाद देखेंगे तो यहाँ पर 17,000 पहुँच जाता है, लगभग 110 पॉइंट का मूवमेंट, ये वन वे मूवमेंट यहाँ पर देता है। इसलिए मैं बार बोलता हूं कि थोड़ा सा कंसोलिडेट होने दीजिए। देखिए जो आज का समय की ट्रेडिंग चल रही है ना, इतना वॉलेटाइल मार्केट है कि जब तक ये कंसोलिडेशन कहीं पे नहीं करेगा ना, आप ट्रेड को पकड़ नहीं पाओगे। चलते मार्केट में आप ट्रेड को मत पकड़िए, आप ट्रैप हो जाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। तो मार्केट को रुकने दीजिए। अरे बहुत होगा तो क्या होगा, एक दिन ट्रेड नहीं देगा तो पैसे तो हमारे पास में है ना, हम कल ट्रेड कर लेंगे जब मार्केट हमें ट्रेड देगा, हमारा सेटअप बनेगा। तो बिना सेटअप के सिर्फ मोमेंटम को पकड़ने अगर जाओगे यहां पे कि मोमेंटम में पकड़ लूंगा, चलो 20 पॉइंट मिलेगा मैं निकल जाऊंगा, तो ही आप वहां पे ट्रैप हो जाओगे। सही जगह पर ही आपको ट्रेड लेना है क्योंकि वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा है। तो सही जगह पर ट्रेड लेंगे तो ही आपका ऑप्शन भी मूव करेगा और ऑप्शन का प्रीमियम भी थोड़ा सा हाई चल रहा है, ये नजर में जरूर रखिएगा। तो सबसे अच्छा यहां पे कंसोलिडेट किया और कंसोलिडेशन के बाद ये ऊपर की साइड में गया। अब नजर बना के रखिएगा, देखिए ऊपर की साइड में हमारे पास ये रजिस्टेंस एरिया है, ये पूरा रजिस्टेंस एरिया मैंने पहले ही आप लोग को बताया था, रजिस्टेंस एरिया है। अब ये देखिए कल यहां पर 17,160 का फ्राइडे का हमारा हाई लगा, अब हमारे लिए ये 2 रजिस्टेंस यहां पर मिल रहा है। तो कल के लिए सबसे बेस्ट मूवमेंट यही होगा कि कल अगर ओपन होता, देखिए गैप अप ओपन हो गया इस जगह के आसपास, कहीं मान लीजिए 100-150 पॉइंट अगर गैप अप ओपन हो गया तो यहां पे टाइम बिताने दीजिएगा, यहां पे इमीडिएट ट्रेड मत लीजिएगा, यहां पे आप टाइम बिताने दीजिएगा। और टाइम बिताने के बाद अगर रेंज को ऊपर की साइड में ब्रेक करेगा तो फिर आपका टारगेट यहां पर 17,200 के आसपास तक ये जा सकता है। अगर यहां पर टाइम बिताए मतलब 17,000 के आसपास कहीं पर आके ये टाइम बिताने लगे, वहां पर आधे घंटे 1 घंटे टाइम निकाले और ऊपर की साइड का ब्रेकआउट दे तो आप 17,200-17,222 के आसपास तक जा सकते हैं। अगर ऊपर गैप अप ओपन होने के बाद यहां पर टाइम बिताने के बाद ये नीचे आता है तो फिर से टारगेट हमारा क्लोजिंग लेवल यानी 16,960 ये हमारा टारगेट वापस हो जाएगा, क्योंकि फिर नेक्स्ट सपोर्ट आपको इसी लेवल के आसपास मिलेगा। अगर हम गैप अप पेनों के नीचे आते हैं तो 16,980 ये हमारे लिए सपोर्ट का काम यहां पे कर सकता है। नीचे की साइड में अगर इस जगह के आसपास कहीं पे ओपन होते हैं 16,800 या 16,840 के आसपास कहीं पे मार्केट डे के दौरान भी आता है और यहाँ पे इस तरह का टाइम बिताएगा ना, तो टाइम बिताने के बाद देखिएगा आपको जिस तरह की मोमेंटम मिलेगा जिस साइड का, वहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम मिलेगा। क्योंकि 2 बार हमने इस लेवल को सपोर्ट ले लिया है तो हो सके इस बार अगर हम नीचे की साइड में आए और नीचे की साइड में इसने ब्रेक किया तो नीचे की साइड में भी ये 100-150 पॉइंट का मूवमेंट दे सकता है। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि 2 बार ये ऊपर की साइड में निकला है तो इस बार अगर निकलेगा तो ऊपर की साइड का इसे ब्रेकआउट देना चाहिए, तभी हमें मालूम चलेगी कि बायर यहां पे स्ट्रांग है। अगर ये वापस नीचे की साइड में आता है तो फिर यहां पे जो बायर है वो अपना हाथ छोड़ेंगे और फिर यहां पे एक सेलिंग प्रेशर आपको फिर से देखने को मिल सकता है। तो नजर में ये रखिएगा कि सबसे बेस्ट ट्रेड आपके लिए क्या बनेगा कि अगर मार्केट इस जगह पे कहीं पे ओपन होगा
तो अगर कंसोलिडेट करेगा, कंसोलिडेशन के बाद ऊपर या नीचे निकलेगा तो हमें ट्रेड मिलेगा, या फिर अगर मार्केट को पहले ही मार्केट मान लीजिए डाउन ओपन होता है तो इस जगह पे आने दीजिए, यहाँ पे 17,000 के आसपास देखिए कि कोई रेंज बनती है, फिर उस रेंज को हम यहाँ पे ट्रेड करेंगे। बड़ा गैप अप या बड़े गैप डाउन के बाद हमेशा रेंज को ही आपको ट्रेड करना है। एक मूवमेंट यहाँ पे जरूर मिल सकती है कि मान लीजिए हम 17,000 के नीचे कहीं पे ओपन होते हैं, 16,960 से लेकर के 17,000 के बीच में कहीं पे ओपन होते हैं और यहाँ पे आके हम 17,011 के लेवल को हम क्रॉस करेंगे तो हमें एक मोमेंटम मिल सकता है जो कि लेके जा सकता है 17,066, 17,122 और उसके बाद 17,166। ये लेवल भी आप देख सकते हैं, लेकिन ये छोटा सा मूव होगा, इसके लिए SL आपको यहाँ पे कम से कम 40 पॉइंट का SL लगा के रखना पड़ेगा नीचे की साइड का, यानी 17,011 के ऊपर निकलता है थोड़ा सस्टेन करने के बाद, तुरंत निकलेगा तो नहीं खरीदना है, थोड़ा सस्टेन होने दीजिएगा 15-20 मिनट, यानी 15-20 मिनट इस रेंज के बाद अगर ब्रेकआउट करता है तो ही लेंगे, अगर उसी फ्लो में ओपन होता है निकल जाता है तो छोड़ दीजिए, फिर यहाँ पर इंतजार करेंगे इस जगह पर ये क्या करता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।